हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन बिकम स्मार्ट सक्सेसफुल चैंपियन। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्राफ्स के ऊपर कार्टेशियन प्लेन में डिफरेंट पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो हमने सबसे पहले बना लिया एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। अब बनाते हैं हम लोग वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो जो मैं वर्टिकल लाइन बना रही हूँ इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन हम लोगों ने बना दिया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफ पेपर पे बना दिए गए हैं। दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस पॉइंट इज ओरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 और 0। अब हम डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, यहाँ पर इक्वल डिवीज़न करेंगे कि यहाँ हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग पॉजिटिव काउंटिंग लिखेंगे, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आप पॉइंट्स मार्क करें। और जो हमारे पास ये जैसे पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पर भी हम लोग इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स को मार्क करेंगे। नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी आप लोग इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स को मार्क करिए, और नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर भी आप इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स को मार्क करिए। अब हम यहाँ पर पॉजिटिव काउंटिंग और यहाँ नेगेटिव काउंटिंग लिखते हैं। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हमने एक्स कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव काउंटिंग, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ नेगेटिव काउंटिंग, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ पॉजिटिव काउंटिंग और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ नेगेटिव काउंटिंग। अब मैं पॉइंट प्लॉट करने वाली हूँ -3 और -4। पहले वाला हमारा जो इस ऑर्डर्ड पेयर में पॉइंट है इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, और जो सेकंड वाला ये पॉइंट है इसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट जो कि -4 है इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो -3 -4, एक्स एक्सिस पर -3, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर -3, वाई एक्सिस पर -4, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो नीचे की ओर आइए, 0 -1 -2 -3 -4, तो दिस इज -4 -3 -3 से मैं यहाँ नीचे की तरफ आ रही हूँ। एक्स एक्सिस से -3 यहाँ आ गए, और वाई एक्सिस से -4, तो वाई एक्सिस से ये -4 आ रहा है। तो यहाँ पर आकर ये दोनों कट करें, तो जो ये पॉइंट है ये है -3 और -4, और ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो -3 -4 ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 5 और -2 पॉइंट को अब मैं प्लॉट करने वाली हूँ, पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाला वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा, सो एब्सिसा इज 5 एंड ऑर्डिनेट इज -2। एक्स पर 5, एक्स पर देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स पर 5, प्लस का 5 है, वाई का -2, जहाँ कोई साइन नहीं वहाँ प्लस लेंगे, वाई का -2, वाई पर ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस नीचे की ओर -2। तो एक्स पर 5 ये आ गया, वाई पर जाइए पहले -2, ये वाई से आ रहा है -2, और एक्स से क्या है, एक्स से +5 आ रहा है, +5। तो जहाँ पर दोनों आपस लाइन में लाइंस आपस में कट कर रही हैं, ये हुआ हमारे पास 5 और -2, और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। सो जो ये पॉइंट है 5 और -2, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। आप पॉइंट में प्लॉट करने वाली हूँ 2 और 3, मीनिंग एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 3। तो एक्स पे 2 देख लेते हैं, पॉजिटिव 2, ये एक्स पर 2 और वाई पर 3, दिस इज़ पॉजिटिव वाई एक्सिस, कुछ साइन नहीं है तो दोनों पॉजिटिव हैं। एक्स एक्सिस से 2, ये एक्स एक्सिस से 2 और वाई एक्सिस से +3, तो नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की ओर, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की ओर। तो ये जहाँ पर एक्स और वाई आपस में कट रहे हैं, एक्स से 2 और वाई से 3, तो ये जो पॉइंट आ गया ये आ गया 2 3, मीनिंग +2 और +3, और ये क्वाड्रेंट है कौन सा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पर हमने पॉइंट प्लॉट किया। तो 2 3 पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। अब मैं पॉइंट प्लॉट करने वाली हूँ -4 और 2, पहले वाला एक्स,
और दूसरे वाला वाई कोऑर्डिनेट। अगर पूछे एब्सिसा कितना है तो माइनस फोर, ऑर्डिनेट कितना है तो टू, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है माइनस फोर, वाई कोऑर्डिनेट कितना है टू। तो एक्स पर देखेंगे माइनस फोर, नेगेटिव फोर, तो दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस फोर, जीरो वन टू थ्री फोर, एक्स पर माइनस फोर, वाई पर टू, जीरो वन और टू, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की ओर, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की ओर, यहाँ पर कुछ नहीं तो ये प्लस टू है, तो एक्स पर माइनस फोर और वाई पर माइनस टू। ये माइनस फोर से हम लोग गए माइनस फोर से ऊपर की ओर, और वाई पर प्लस टू से हम लोग यहाँ आ रहे हैं प्लस टू से। तो दोनों लाइन्स आपस में कहाँ कट रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर। तो जो ये वाला पॉइंट है ये है माइनस फोर और टू, और ये क्वाड्रेंट है कौन सा, ये क्वाड्रेंट है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो माइनस फोर और टू पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव। आप पॉइंट प्लॉट करते हैं फाइव जीरो, पहले वाला एक्स दूसरा वाला वाई, तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कितना है फाइव, वाई कोऑर्डिनेट जीरो इस ऑर्डर पेयर में। अब जो ये पॉइंट जिनमें एक भी हमारा कोऑर्डिनेट जीरो होता है वो लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो ये जो पॉइंट है इसमें एक कोऑर्डिनेट जीरो तो लाइन के ऊपर आएगा, तो वाई जीरो, वाई की तरफ तो लेंथ है ही नहीं, एक्स हमारा फाइव है, तो एक्स पे हम फाइव देखते हैं, एक्स प्लस फाइव, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स पर फाइव, वाई पर तो कोई लेंथ बढ़ ही नहीं रही है, वाई का जीरो तो यही है तो जीरो यही आएगा। तो जो ये वाला पॉइंट है ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट ये होगा फाइव जीरो, एक्स एक्सिस पर फाइव और वाई एक्सिस पर जीरो। जहाँ पर एक्स या वाई की जगह जीरो लिखा होगा वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वो पॉइंट लाई करेगा लाइन के ऊपर। अब मैं पॉइंट प्लॉट करने वाली हूँ जीरो और फोर, पहले वाला कोऑर्डिनेट एक्स दूसरा वाला कोऑर्डिनेट वाई। अगर पूछे एब्सिसा जीरो, ऑर्डिनेट फोर, जीरो और फोर एक कोऑर्डिनेट तो हमारा जीरो हो गया, जब एक कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो ये वाला पॉइंट कैसे होगा, ये पॉइंट लाइन के ऊपर होगा। एक्स पर जीरो, एक्स पे तो हमें देखना ही नहीं, हमें कहाँ देखना है वाई के ऊपर, वो भी क्या पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव वाई एक्सिस, ऊपर की ओर पॉजिटिव वाई एक्सिस, प्लस वन प्लस जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री एंड प्लस फोर। तो जो ये वाला पॉइंट है ये क्या है प्लस फोर, तो जो बिल्कुल लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट है हमारा जीरो और फोर। एक्स एक्सिस पर कोई डिस्टेंस नहीं, लाइन कहाँ, सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर फोर, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, सो जीरो और फोर। अब हम पॉइंट प्लॉट करने वाले हैं जीरो और माइनस थ्री, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट माइनस थ्री, एब्सिसा जीरो, ऑर्डिनेट माइनस थ्री। ये पॉइंट लाइन के ऊपर होगा क्योंकि इसका एक कोऑर्डिनेट जीरो है, और होगा कहाँ, एक्स तो जीरो है तो ये वाई एक्सिस पर होगा, वो भी माइनस का थ्री, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये क्या है यहाँ पर, ये है माइनस थ्री। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है जहाँ पर मैंने ये डॉट लगाया है, सर्कल तो सिर्फ इसको पॉइंट करने के लिए लगाया गया है, तो जहाँ डॉट लगाया है ये डॉट वाला पॉइंट क्या है, जीरो और माइनस थ्री लाइन के ऊपर। अब पॉइंट प्लॉट करते हैं माइनस सिक्स और जीरो, पहले वाला एक्स नेगेटिव, वाई हमारा जीरो। तो जब एक भी कोऑर्डिनेट जीरो हो तो पॉइंट लाइन के ऊपर होगा। अब ये एक्स एक्सिस पे होगा कि वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो ये वाई एक्सिस पर नहीं होगा, ये कहाँ होगा एक्स के ऊपर, वो भी कहाँ माइनस सिक्स। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स पर माइनस सिक्स, जीरो वन टू थ्री फोर, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो मैंने ये डॉट लगाया ये वाला पॉइंट है माइनस सिक्स और जीरो। अब इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट करने के लिए, बताने के लिए इसके पास हम लोग एक सर्कल लगा देते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो मैंने पहले लगाया और यहाँ पर ये डार्क सा डॉट दिख रहा है, ये पॉइंट है माइनस सिक्स और ज़ीरो। अगर हमने पॉइंट प्लॉट करना है ज़ीरो 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 ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट कौन सा है, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है ज़ीरो ज़ीरो। इसके अराउंड हम सर्कल लगा देते हैं दिखाने के लिए। तो ये वाला पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में कट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं जीरो जीरो। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैथ के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।